हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे स्पेशल मोतीचूर के लड्डू। बोल ले लिया मैंने। ले लेंगे हम बेसन से, हम पानी देकर घोल तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे पानी देते जाएंगे और घोलेंगे, और पानी हम देंगे इसमें। अब ये पतली हो गई है, 5-10 मिनट के लिए साइड। ले लेंगे हम पानी, लगभग मैंने 1 गिलास पानी लिया है। डालेंगे हम 1 कप चीनी, इसे इसमें डिजॉल्व कर लेंगे पानी में। थोड़ा सा हम डाल देंगे फूड कलर। इलायची ले लिया है, इसे हम कूट लेंगे। हमने कूट लिया है इलायची, डाल देते हैं इसमें। साथ ही हम डाल देंगे कुछ स्ट्रिंग्स केसर के, माफ करते हैं। इसी तरह हम ढक करके इसे रख देते हैं। कढ़ाई में हम ले लेंगे दोस्तों 1 चम्मच देसी घी। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कैशू, आलमंड और पिस्ता, ये हम डाल देंगे इसमें। निकाल लेते हैं इसे, बस इसे हमें कलर नहीं आने देना, हल्का सा फ्राई करके इसे निकाल लेना। डाल देंगे ऑयल। मैंने इस बॉटल को लिया है और इसमें छोटी छोटी छेद कर लिए हैं पिन से, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने छेद कर रखा है इसके कैप पे। इस कप के हेल्प से मैंने इसमें फिल कर लिया है। इसके अंदर मैंने कैप खोल करके इसे डाल दिया था बेसन को। गर्म हो चुकी है ऑयल, थोड़ा फ्लेम हम स्लो करते हैं। डालते हैं हम सारे, हम इसी तरह बना लेंगे। ले लेते हैं हमारी कढ़ाई, डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। हम ले लेंगे बूंदी, डाल देंगे इसमें। फ्लेम ऑन कर लिया हमने। फ्लेम हम ऑफ करेंगे दोस्तों, और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ढककर। तो ये ठंडा हो गया है, डालेंगे हम पिघलाया हुआ घी इसमें। हाथों में ले लेंगे इसकी क्वांटिटी, जितनी आपको बनानी है छोटी या बड़ी। तो दोस्तों, हमारी टेस्टी मोतीचूर के लड्डू बन करके है रेडी। आप भी इसे बना करके एंजॉय कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, हेल्थी रहिए। बाय बाय।